नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 दिसंबर के दिन मतदान है। लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का मुंह टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों का क्या माहौल इस एमसीडी चुनाव को लेकर बना हुआ है, लोग क्या सोचते हैं, इसके साथ ही क्षेत्र में क्या समस्याएं बनी हुई है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मटियाला विधानसभा में। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो कुल 6 वार्ड इस विधानसभा में आते हैं और 4 लाख से अधिक जनसंख्या इस विधानसभा की है। और यही वजह है कि आज हम सभी 6 वार्ड्स में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा में क्या समस्याएं बनी हुई हैं। इन सभी 6 वार्ड्स में जाकर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर लोग इस बार मतदान करेंगे, क्या क्या समस्याएं क्षेत्र की हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं वार्ड नंबर 122 मटियाला में, यहां जानते हैं कि आखिरकार क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और ये भी जानकारी लेते हैं कि आखिरकार जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए। चलिए चलते हैं मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में और यहाँ जानकारी लेते हैं लोगों से कि आखिरकार कितना विकास कार्य हुआ। वार्ड नंबर 122 मटियाला में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एमसीडी चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने विकास कार्य क्षेत्र में किए। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या समस्याएं इस क्षेत्र में बनी हुई है? इसके साथ ही अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो निगम पार्षद ने कितने विकास कार्य इस क्षेत्र में किए? कोई विकास नहीं करे। 10 साल से सरकार है हमारे यहाँ, मेरे यहाँ जाके देख लो, 55 मकान नंबर है। अभी तक है बरसात का पानी बढ़ता है, अगर कोई माई चांस किसी ने घर धो दिया वो पानी भी मेरे घर के आगे बढ़ता है और गटरों से परेशान है लेडी से, पानी भी कोई नहीं आता है, वो सब इतना गंदा पानी आता है, परेशान है भाई हम आम आदमी। सरकार ने कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। ये बहनें खड़ी है, इनसे पूछ लो, ये भी परेशान है। नहीं आता है खाओ, मीठा पानी में गंदगी आती है, माता गटर के पानी आ जाता है, कभी साफ आ गया तो आ गया, नहीं मशीन लगा भरने पर। इधर रोड पे है तो रोड पे तो झाड़ू वाड़ू लगा देती हैं, अपन आ जाती हैं, कोई कर देती कर देती ना, उतना नहीं आती हैं। थोड़ा ही विकास कार्य हुआ मतलब, और ये जो प्राइमरी स्कूल है ना इसमें बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें लेटरिन बाथरूम थोड़ा साफ सफाई रखे, हमारे ही बच्चे जाते हैं तो वो लेटरिन बाथरूम साफ नहीं होता तो वो बच्चे परेशान होते हैं, तो वो भी साफ सफाई रखे क्योंकि वो भी हमारे पास में ही है ना स्कूल, तो हमारे बच्चे। एमसीडी के स्कूलों का मुद्दा अहम है, जो और भी बड़ी स्कूल है ये 3 सेक्टर में, उसमें भी साफ सफाई सही होनी चाहिए लड़कियों के लिए, तो लड़कियां बेचारी परेशान होती है। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगी? इस बार सोच समझ कर ही वोट देंगे कि अच्छा वो निगम पार्षद आए जो हमारी बात सुने और हमारे साफ सफाई का ध्यान करे, और गर्मियों में तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, दो दो तीन तीन दिन तक पानी नहीं। माहौल तो बहुत अच्छा है, सारी सफाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इतनी गंदगी हो रही है कि देखने को राजी नहीं है, कोई भी आगे देखता नहीं है कितनी गंदगी हो रही है। शिवर में पानी आता है, सब गंदा आता है, बदबू आती है, कोई आगे नहीं देखता कि पानी कैसा आ रहा है। वोट तो करने के लिए तो सब आ जाएंगे, हमें वोट दे दो, कार्य कोई नहीं करता है। उम्मीद है किसी से? अब किससे उम्मीद रखेंगे, सब ऐसे ही बोलते हैं हम करेंगे, करता कोई है नहीं। सब में यही हाल बना हुआ भैया, सब में कहने जरूरत नहीं है, जनता जानती है अपना, जनता ने देख रखा है, पूरी जनता जानती है, कहीं भी पूरे ब्लॉक में चले जाओ सगर में सब में गंदगी फैली पड़ी है। 5 साल है तो बहुत बुरा हाल है ये भाई, 5-6 साल से जब से ये निगम पार्षद आया है इन्हें तो काम पर राजी नहीं है। तो वोट भाई साहब हम बर्बाद कर देंगे, वोट किसी भी पार्टी को नहीं देंगे। ये स्कूल है बगल में, यहाँ पे एमसीडी का, हाँ एमसीडी का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बात कर रही है बगल में, यहाँ पे कोई लेडीज जाए या बच्चा जाए ऐसी मुद्दे, चाहे स्कूल खुला हो चाहे बंद हो, ऐसी मुद्दे कई बार शिकायत करी है, कोई सुनवाई नहीं है किसी से भी, ना किसी चीज़ की सफाई है, खाली आता कुछ भी चीज हो झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगती, कोई व्यवस्थाएं कैसी देखते हैं? हालांकि ये तो लोगों की लापरवाही रही, लेकिन व्यवस्थाएं किसकी वजह से, ये भी तो बताइए आप, हमने तो एक मतलब वोट दिया था, बाथरूम तो नहीं है, बाथरूम कहाँ है? देखिए आप एरा स्कूल जाके देखिए, लाइव लेके आओ उसे, कि आखिरकार इस वार्ड में कितना विकास कार्य हुआ है लोगों ने खुद ही बताया, इसके साथ ही समस्याओं को बताया। लोगों ने यह भी जानकारी दी कि आखिरकार इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है, लोगों ने अपनी जुबानी इस हाल इस वार्ड का हाल बताया। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानते हैं आखिरकार क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं, किन मुद्दों के आधार पर लोग इस चुनाव में 4 दिसंबर के दिन मतदान करेंगे। तमाम समस्याएं हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ ही जो उनके निगम पार्षद ने कार्य किए ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानते हैं कैसी स्थिति इस समय बनी हुई है।
दिल्ली का दंगल कार्यक्रम में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं पोचनपुर, जो कि वार्ड नंबर 120 है और द्वारका बी लगता है। यहां पर जानेंगे कि आखिरकार क्या समस्याएं इस क्षेत्र की बनी हुई है। इसके साथ ही जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने कार्य क्षेत्र में किए, पीछे कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं कि आखिरकार कितना विकास कार्य क्षेत्र में हुआ है। इसके साथ ही जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट करेंगे, तमाम लोग हैं पीछे की ओर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो कि क्षेत्रीय हैं। और कितना विकास सर मानते हैं इलाके में हुआ है? मेन समस्या तो सफाई की है। जैसे जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं वो सिर्फ तब आते हैं जब कोई पॉलिटिशियन आ रहा हो, उसके एक या आधे घंटे पहले आएंगे, तब थोड़ा बड़ा इधर उधर कूड़े को भी सरका के चले जाएंगे, यानी कि साफ करेंगे उठा देंगे ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बड़ा कर देते फॉर्मेलिटी के तौर पर, बाकी तो कभी सफाई वाले दिखाई देते नहीं है। सबसे पहले मैं आप टोटल टीवी वाले की समस्त टीम का स्वागत करता हूँ। मैं इसी क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ बाई बर्थ, और हमारे क्षेत्र में सफाई की कोई समस्या नहीं है। इस साइड में जो समस्या है थोड़ी, ये रोड के कारण है। रोड के कारण कुछ अच्छी तरह समस्या सफाई की जो है कुछ वो नहीं हो पाती कुछ, लेकिन जो गांव में चाहे पूरे वार्ड में है जो सब जो ग्रुप बना रखा है यहाँ पे सफाई का, एमसीडी ग्रुप बना हुआ है स्पेशल, कमलजीत शहरावत के नाम से एक ग्रुप है, उसमें हर एक गली में चार चार लोग ऐसे हैं जो जहाज कंप्लेंट जैसे कूड़ा वगैरह कुछ हुआ तो तुरंत उसको भेजते आगे। और इस क्षेत्र में जितना अच्छा काम हुआ है शायद ही पूरी दिल्ली में कहीं काम हुआ हो। हमारे क्षेत्र के चारों तरफ जहाँ भी जाते हैं तो साफ सफाई, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, गलियाँ सारी बहुत ही शानदार है, लेकिन DIRC के अंतर्गत आने की वजह से हमारे इस क्षेत्र में ये कॉलोनियाँ है जो ये पोचनपुर द्वारका बी ब्लॉक कॉलोनी है, इसमें पिछले 3 साल से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं MLA साहब को कि आइए एक बार रोड सभी जगह बना रहे हैं यहाँ भी बनाइए ताकि यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था अच्छी तरह हो सके। तो हम अपने यहाँ के पार्षद से पूरी तरह संतुष्ट है। सबसे बड़ा तो ये पॉल्यूशन चल रहा है, इसमें बहुत मजदूर गांव चले गए, ये समस्या सबसे पहली है कि जो अरे मतलब जिस तरह ये सारे मजदूर गांव को भाग रहा है इनको भी रोकने की बात। निगम पार्षद से क्या उम्मीद कर रहे हैं? निगम पार्षद से जो एक हमारे जो रोड जो कच्चे पड़े हैं इनको सही करा दो, नाली आली तो ठीक है, सफाई के मामले में नाली आली सब बढ़िया है, रोड वोड जो खराब है इनकी व्यवस्था करी जाए सही तरह से। बिल्कुल समय से आते हैं, गाड़ी कूड़े की कोई समस्या नहीं है, कूड़ा समय से उठता है यहाँ, दिन में 2 बार आती है, कूड़े की कोई समस्या नहीं, गाड़ी अपने टाइम से आती है, सारा कचड़ा कचड़ा बाहर जाता है। बिल्कुल, द्वारका बी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जाना कि आखिरकार जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता खुद जानकारी दे रही है कि आखिरकार कैसी व्यवस्था इस समय बनी हुई है, इसके साथ ही क्या मुद्दे इस MCD चुनाव में रहने वाले हैं, 4 दिसंबर के दिन जनता क्या सोचकर जाएगी लोगों ने ये भी बताया, इसके साथ ही आगे भी लोगों से बात करेंगे आखिरकार कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इस वार्ड में आखिरकार क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, और जो पिछले निगम पार्षद रहे कितना कार्य उन्होंने क्षेत्र में किया, आगे जानकारी लेंगे और लोगों से और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अलग अलग इलाकों में लगातार टोटल उसकी टीम इसी तरह लोगों से बातचीत कर रही है और दिल्ली का दंगल कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की क्या समस्याएं हैं, दिल्ली में इस बार क्या माहौल बना हुआ है MCD चुनाव को लेकर। आगे और लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 121 द्वारका 1 के सेक्टर 3 फेज 2 में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, MCD चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इसके साथ ही क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं, इसके साथ ही ये भी जानकारी लोगों से लेंगे जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्षेत्र की बात की जाए तो क्या समस्या इस समय बनी हुई है, इसके साथ ही अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो क्या क्या विकास कार्य पिछले निगम पार्षद ने किए इस क्षेत्र में? सर, विकास तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ बारिश के टाइम में इस गलियों का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल कि लोग बच्चे बाहर नहीं निकल पाते थे, हर गली पानी भरा हुआ था और सीवरें भरी हुई थी। निगम पार्षद का काम क्या है, कम से कम सीवर तो सही कराए, नाला सही कराए, गलियाँ सही कराए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में। आज भी वैसे का वैसे ही, बारिश के टाइम में निकलना भारी पड़ता है हम लोगों को। जैसे देख रहे हम तो पहले से बड़ गई बदतर देख रहे हैं, पहले से भी, पहले 2001 में ठीक था, अब 2022 में तो सबसे ज़्यादा बेकार होया पड़ा है निगम पार्षद के काम। कॉलोनी वाले इकट्ठे करके 10-20 जाओगे तो वो आएगी वरना नहीं आएगी, वो उनको तो बुलाना पड़ता है अपने आप से, कभी नहीं आते वो, ना कोई MLA आता ना निगम पार्षद, बुलाकर काम हो जाता है, बुलाकर काम होता है वो भी काफ़ी टाइम में। अब 2018 में गलियाँ टूटी थी, 2022 में बनी है, ये 5 साल में पूरा जब इलेक्शन आ रहे हैं जब पता है काम चालू करेंगे, इलेक्शन नहीं आते तो कोई सुनवाई नहीं है, गायब बिल्कुल कोई है। इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? इस बार सोचेंगे जी, इस बार तो सब चेंज होएगा जी, सारा कुछ चेंज होएगा इस बार। यहाँ सरकार वोट लेने लगी तैयार हो जाता है, जखने तो आता है गोड़ लगे लगी गरीब आदमी को, और जो गरीब आदमी पानी में सड़ के मर रहा है ओकर कोई इलाज नहीं है, हैं इतना 6-6 महीना 7-7 महीना पानी में रहते हैं दहल तो पर कोई इलाज नहीं, तो फिर भर जाता है घरों में। हाँ,
घर में टट्टी पखाना सब भर जाता है, ओकर इलाज कोई नहीं होता है, बाल बच्चे बीमार होता है ओकर इलाज नहीं होता है, है? तो वोट लेने वाला सबको तैयार हो जाता है अपना लिए। क्या सोचकर इस बार वोट करने जाएंगी, क्या काम होने चाहिए? कैसे वोट देंगे, वोट कैसे देंगे? बदलाव है जो काम करेगा उसके लिए वोट, जो काम करेगा मेरा जीवन बचाएगा उसका वोट देंगे, जो जीवन नहीं बचेगा उसका वोट किया देंगे हमें। माल बहुत गंदा है और क्या बना है, नाली भरी है, अभी भी गटर भरे हैं, सब भरे हैं, सब परेशानी होती है सबसे ज्यादा, बहुत शिकायत है, क्यों नहीं शिकायत बहुत है, कई बार शिकायत करी है, सुन के कोई राजी नहीं होता तो उसका क्या करेंगे। यहाँ अच्छा समस्या नहीं देख रहा हूँ, गटर भरता है और पानी घर में भी भरता है। कितने समय से ऐसी दिक्कतें बनी हुई है? ये कम से कम 8-9 साल 10 साल से ऐसे हो रहा है। शिकायत की आप लोगों ने? हाँ कर किए हैं मगर नहीं करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगी, क्या देंगे? जब हमारे कोई सुविधा नहीं है तो वोट कैसे देंगे, सुविधा रहेगा तब तो देंगे वोट। कॉलोनी में बहुत गंदगी है, सीवर भरे हुए हैं, इतना गंदा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा निकलने के लिए हमारे यहाँ मच्छर कीड़े बहुत पैदा हो रहे हैं, बीमारियाँ इतनी हो रही है, बच्चे को नुकसान होगा, तो हम अभी तो वोट की तो सोचे ही ना, आएंगे तो हम तो बोलेंगे देंगे भी नहीं ऐसे, और हम सुनाएंगे उनको चार बार। फेस टू की जनसंख्या काफी अधिक है, लगता है कि पूरे वार्ड में ही ऐसी स्थिति है। फेस वन में तो इतना जाकर देखे, इतना गंदा है कि निकलने के लिए जगह नहीं, हमारे घर के आगे लैट्रिन यूं ही निकल रही है, बड़ा गंदा हो रहा है पूरे वार्ड में ऐसी स्थिति। हाँ जी बिल्कुल, बहुत गंदा हो रहा है। बिल्कुल हमने सुनाया कि आखिरकार इस वार्ड में कैसे हालात हैं, क्या माहौल बना हुआ है, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर इस वार्ड में जनता वोट करेगी। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जानेंगे जब 4 दिसंबर के दिन मतदान होगा तो क्या सोचकर लोग वोट करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीय निगम पार्षद ने कितने कार्य किए, क्या उनके किए गए कार्यों से जनता संतुष्ट है, तमाम जानकारी लेंगे। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां लोगों से करते हैं बात। वार्ड नंबर 123 ककरोला में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये तारानगर का इलाका है, यहां पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अगर इस सड़क की बात की जाए तो एक तरफ ककरोला है तो दूसरी तरफ ककरोला गांव पड़ता है और ये तारानगर का इलाका, कुछ लोग हैं कि आखिरकार इनसे ही जानकारी लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में हैं। MCD चुनाव अब नज़दीक हैं, 4 तारीख को मतदान है, क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? भाई साहब अभी गली में देख लो, रोड की पूरी समस्या है, उभर खाबर रोड है, बिल्कुल टूटी फूटी है, और पानी की समस्या अलग है, मीठा पानी आता नहीं है, बिल ऐसे ही। कूड़ा उठाने गाड़ी आती है? आती है कूड़ा उठाने। निगम पार्षद ने काम किए क्षेत्र में? निगम पार्षद हाँ काम कर रहा है, स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे सब जा रहे हैं, और पार्कों की भी अच्छी सुविधा है। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जाएंगे? अब मुद्दे क्या है, अपना जो मत है वो तो देना ही है, जहाँ पर जो अच्छा लगेगा वहाँ तो देना। समस्या यही है भाई, गली नाली नहीं बन रही, रोड नहीं बन रहे, गलियों में सारियों में खड्डे हैं, सारा रोड तोड़ के गिर रखा है, कहीं रोड बन रहा नहीं, कोई गली बन रही नहीं, समस्या यही है और क्या है। मैं पब्लिक समस्या तो यही है गली नाली की, लाइट पानी की। निगम पार्षद ने कार्य किए 5 सालों में? 5 सालों में नगर पार्षद ने तोड़ाई करी है, बनाए तो है नहीं, लगभग काम से असंतुष्ट है यानी कहा जाए तो। हाँ जो काम है वो तो पब्लिक के सफाई सफुई के तो बढ़िया काम है, ऐसी बात नहीं। समस्या तो ये है कि सड़क खुदी हुई है, एक तो पूरा एक नाली की समस्या है, इधर जो सामने जो ये बाथरूम की सुविधा है वो ढंग से नहीं है एकदम, वो सामने है जो है, यही है समस्या यहाँ की, ये नाली की व्यवस्था है, सड़क खुदी हुई है पूरी चारों तरफ, यही है, और पॉल्यूशन की तो समस्या ही है इस टाइम, कितनी ज़्यादा हो रही है, रात को 11-12 बजे बाहर निकलना ही नहीं होता, आँखों में जलन सी हो रही है। कोटा न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर अलग अलग वार्ड में लोगों से जानकारी ले रही है और माहौल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों के मन में क्या माहौल MCD चुनाव को लेकर बना हुआ है, और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने कार्य किए, कुछ और भी लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार निगम चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सर 4 तारीख को मतदान है, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएँ हैं? तो बिल्कुल लोगों से बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं क्षेत्र में हैं, युवा हैं, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे इस बार? सर कुछ सोच के वोट डालने की नहीं, सारी समस्या ही समस्या है हमारे इसमें, तो गलियों का हाल देखो आप, नालियों का देखो, जहां कहीं देखो पॉल्यूशन के वाहने रोक देते हैं काम, सारी समस्या है सर इसमें।
मुद्दा तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पोल्यूशन बहुत तगड़ा चल रहा है, और पोल्यूशन तभी होगा जब ये रोड बन जाएंगे। रोड बनने के बाद जब धूल मिट्टी नीचे चली जाएगी तभी पोल्यूशन का समस्या का हल होगा। बाकी भाई राजनीति वाले कोई किसी का नहीं सका, इसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए नगर निगम या दिल्ली सरकार। देख, दिल्ली सरकार का मतलब ये है कि जब उसके सिर पे पड़ती है तो केंद्र सरकार पे चला जाता है। केंद्र सरकार थोड़े ना करेगी इसको, दिल्ली सरकार भी तो, एमसीडी भी तो दिल्ली सरकार के अंडर में है। पैसे दिल्ली एमसीडी को वही देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं देती ना। तब वो पैसा देगा टाइम पे, तभी तो काम करेंगे बंदे। अब कचरे वाले कचरा उठाते हैं तो लोगों का भी थोड़ा सहयोग होना चाहिए। लेकिन मेन समस्या है, जब से फ्री हुआ है इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, दिल्ली का भला नहीं होगा बिल्कुल भी। टोटल न्यूज़ की टीम अलग अलग वार्ड में इसी तरीके से जाकर लोगों से बात कर रही है, और इसके साथ ही ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस दिल्ली नगर निगम चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही 4 दिसंबर को जब लोग मतदान करेंगे तो आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, लोगों की समस्याएं जानने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार क्षेत्र में क्या समस्याएं बनी हुई है। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं, इसके साथ ही लोगों की समस्याएं क्या क्या बनी हुई है यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले जो निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने कार्य क्षेत्र में किए। चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या समस्याएं इस समय बनी हुई है। वार्ड नंबर 125 छावला में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आखिरकार क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं, और अगर बीते 5 सालों की बात की जाए तो कितना विकास क्षेत्र में हुआ है। लोगों से बात करते हैं, सर क्षेत्र के अगर विकास की बात की जाए तो 5 सालों में विकास देखा निगम पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? निगम पार्षद तो बिल्कुल बेकार है जी, यहाँ पे कोई ना तो कोई सफाई होती है, नालियाँ जाके देखो पूरी की पूरी भरी है, रोडों पे पानी आ रहा है नालियों का, इससे और ज़्यादा क्या होगा। यही सफाई सफुई का मुद्दा रहेगा, और कोई कुछ नहीं है, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आता है दो कस्सी निकाल के माटी और पटक जाता है, चले जाता है, नाली भरी रहती है, रोड में पानी घूमता रहता है, सफाई करने वाले कोई नहीं आता है, झाड़ू मारने वाला कोई नहीं आता। शिकायत करते हैं क्षेत्रीय निगम पार्षद से आप लोग? हाँ, 2-3 बार गए हैं औरतों को लेके, बहुत सारे जाके करके आए तो नाली खोल के चले गए एक दिन, उसके बाद आते ही नहीं। तो कितनी दिक्कतें आती हैं? बहुत ज़्यादा आती है, बच्चे गिरते हैं उनमें, नालियों में गिरते हैं चलते फिरते। वो एक हमारे यहाँ वो बना रखी है, क्या नाम आपकी, जो बच्चों को खाना वाना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या सोच कर जाएंगे वोट करके कि भाई सफाई वाला ढंग का आदमी आना चाहिए। सर एक्चुअल में आपकी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, ना कोई निगम पार्षद सुनता है ना ही सफाई कर्मचारी सुनते हैं, और उसके अंतर्गत ये है कि एक बार आपको हल्की सी नाली साफ करके चले जाएंगे, बाकी रोडों की जो टूट फूट है उसका कोई रिपेयर नहीं हुआ आज तक, और ना ही नालियों की, प्लस सड़क पे आम आदमी चलने में, बच्चे में आने जाने में, हर बात से असुविधा है। सर काम कुछ भी नहीं हो रहा है, इस बार गली गली में जाकर आप चेक कर लीजिए और कैमरा घुमा के चेक कर लीजिए, हर एक जगह नाले का पानी भरा हुआ, हर एक गली में, और अधिकतर आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ के कॉलोनी के सारे के तबीयत ख़राब है, जिससे बुखार, डेंगू, फेंगू, ये सब अब दुनिया भर का लफड़ा है, और कोई काम नहीं, कोई इस बार काम को देख कर वोटिंग किया जाएगा, जो काम नहीं किया उसको वोट नहीं देंगे। तो बिल्कुल लोगों से हमने बात की और जाना कि आखिरकार क्या मुद्दे इस वार्ड में बने हुए हैं, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। ये था छावला वार्ड जहां पर लोगों ने अपनी जनता की राय हमने सुनी और जनता ने बताया कि आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे। 4 दिसंबर के दिन मतदान है, इसके साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि जो निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने काम किए। आप चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानेंगे आखिरकार कैसी स्थिति बनी हुई है और क्या माहौल निगम चुनाव को लेकर बना हुआ है। चलते हैं अगले वार्ड और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं वार्ड में हैं। वार्ड नंबर 124 नगली सकरावती में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, यहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वार्ड में क्या समस्याएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही अगर नगली गांव की बात की जाए तो नगली गांव में मुख्य तौर पर क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ है, लोगों से बात करते हैं। सर क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ की, और इस बार जब 4 तारीख को वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? भाई ये समस्या पूरी करेंगे तभी तो वोट डालेंगे उनकी, हमारे नाले देख ले, गाँव में जाके नालियां देख ले सारिया ने, रोड देख ले, सुधारे कड़े है गाँव का, एमएलए तो हमारे गांव में आएगा, एमएलए तो आज तक आया है कोई नहीं।
हम मुद्दे पे वोट क्या बताएं भाई, क्या मुद्दा बताऊं मैं तो बता दी, कान पकड़े बता सकू, ये देखा सकू, ये देखा हाथ पकड़ के नहीं। क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में मुख्य तौर समस्या ही फोन इस पर ना हो बात ना, तो हमारे गांव में कोई एमएलए आता ना होता, आते हैं तो कई आवा नहीं, देखा कहाँ चढ़ाई चल रही है, कहाँ काम चल रहा है, प्रदूषण नहीं देखते भी अपने रुपया देखे हैं वाले आते हैं, दो चार दिन बाद आते हैं, जो पूरा भर जाता है तब आते हैं, पूरी बदबू पूरे गांव में पूरी बदबू फैल जाती है, आस पड़ोस का आदमी साथ में निकल नहीं सकता, मंदिर के पीछे ही कूड़ादान है, कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ये नाला सारा भरा पड़ा है, ये मेन रोड देख लो आप खुद आए हो, गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, यहाँ कोई निगम पार्षद नहीं आता, कोई एमएलए नहीं आता, यहाँ आके कोई नहीं पूछता कि कोई आता है। तो बिल्कुल अलग अलग लोगों से हमने बात की नगली सकरावती में, यहाँ जाना कि आखिरकार क्या मुद्दा इस एमसीडी चुनाव में रहने वाला है, इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए, जनता ने खुद अपनी जुबानी बताया कि आखिरकार कितना कार्य यहाँ पर हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कितने वो संतुष्ट निगम पार्षद के कार्य से हैं। हालांकि हमने सभी 6 वार्ड जो कि यहाँ पर आते हैं विधानसभा में उनका हाल देखा और जनता तक पहुँचाया कि आखिरकार इन 6 वार्डों में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन जनता ही अगले 4 को तय करेगी कि वो किसका साथ देती है और अपना पार्षद किसे चुनती है। कैप्टन मनोज कोहली के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।